में हम बात करेंगे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 की। आप ये ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में करेक्शन को लेकर, तो यहाँ पर जो है काफ़ी दोस्तों के कमेंट हैं कि सर हमने अपना एप्लीकेशन फॉर्म तो यहाँ पे फिल कर दिया है, बट फॉर्म फिल करने में कोई ना कोई गड़बड़ी मिस्टेक हमने यहाँ पे कर दिया, तो किस प्रकार जो है एप्लीकेशन फॉर्म में करेक्शन यहाँ पे कर पाएंगे। तो यहाँ पर जो है दोस्तों एप्लीकेशन फॉर्म में करेक्शन को लेकर कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आपको इस वीडियो में यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। आपका जो है क्या प्रोसीजर यहाँ पे रहने वाला है, करेक्शन चार्जेज आपका यहाँ पे क्या होगा, और कौन कौन सी डिटेल में जो है आपको 100% यहाँ पे करेक्शन करना है ताकि किसी भी दोस्त का एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो यहाँ पे रिजेक्ट ना हो। तो यहाँ पर जो दोस्तों वीडियो का एंड तक जरूर देखें, और हाँ दोस्तों अगर हमारा काम पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों बात करें तो आप यहाँ पे देख पाएंगे आपका 1 सितंबर 2023 से जो है 30 सितंबर 2023 के बीच जो है आप अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है यहाँ पे फिल कर पाएंगे। इसके बाद जो है दोस्तों जैसे ही ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है आपके यहाँ पे क्लोज होंगे, इसके बाद SSC के द्वारा आपको जो है एक विंडो यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी, जिसमें जो है अगर किसी कैंडिडेट को अपनी डिटेल में जो है करेक्शन यहाँ पे करना है, आपको फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर यहाँ पे चेंज करना है, या जो है दोस्तों अदर किसी डिटेल में आपको जो है चेंजेस यहाँ पे करना है, तो उसके लिए जो है आप यहाँ पे देख पाएंगे डेट ऑफ विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन एंड ऑनलाइन पेमेंट ऑफ करेक्शन चार्जेस। तो इसके लिए जो है आप यहाँ पे देख पाएंगे आपका 2 दिन का जो है टाइम ड्यूरेशन आपको यहाँ पे दिया जाएगा, आपका 3/10/2023 से जो है 4/10/2023, यानी जो है दोस्तों 3 और 4 अक्टूबर को जो है आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म में जो है करेक्शन यहाँ पे कर पाएंगे। अब जो है अगर बात करें दोस्तों करेक्शन का आपका जो है प्रोसीजर यहाँ पे क्या रहने वाला है, जो है दोस्तों जैसे ऑफिशियल नोटिफिकेशन के पैरा नंबर 10 में आप यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पर जो आपको करेक्शन को लेकर जो है कंप्लीट डिटेल आपको यहाँ पे मेंशन की गई है। आप यहाँ पे देख पाएंगे विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन, तो इसके लिए जो है 2 दिन का आपका टाइम ड्यूरेशन यहाँ पे रहने वाला है। अब यहाँ पे जो आप सिंपली यहाँ पे देख पाएंगे आफ्टर द क्लोजिंग ऑफ रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन द कमीशन विल प्रोवाइड ए पीरियड ऑफ 2 डे टू इनेबल कैंडिडेट करेक्ट मॉडिफाई ऑनलाइन एप्लीकेशन पैरामीटर। तो इसके लिए जो है दोस्तों आप सिंपली यहाँ पे देख पाएंगे आपका 2 दिन का जो है टाइम आपको यहाँ पे दिया जाएगा, और इसके लिए जो है आप यहाँ पे देख पाएंगे कि एक कैंडिडेट को जो है 2 चांस आपको करेक्शन को लेकर यहाँ पे मिलने वाले हैं, जिसमें जो है दोस्तों अगर आप जो है फर्स्ट टाइम में अपने एप्लीकेशन फॉर्म में फिर से कोई ना कोई मिस्टेक यहाँ पे कर देते हैं करेक्शन में, उसके बाद भी जो है आप फिर से यहाँ पे करेक्शन कर पाएंगे। लेकिन इसके लिए जो है आप यहाँ पे देख पाएंगे कि जैसे ही नीचे आप यहाँ पे आएंगे आपका करेक्शन का जो है चार्जेज यहाँ पे जो है दोस्तों 200 आपका फर्स्ट टाइम करेक्शन जब आप यहाँ पे करेंगे आपका यहाँ पे रहने वाला है। और ये जो है बात करें दोस्तों आपका SC ST कैटेगरी आपकी फीमेल और मेल सभी के लिए आपका यहाँ पे जो है करेक्शन चार्जेज रहने वाला है। इसके बाद जो है दोस्तों अगर आप सेकेंड टाइम करेक्शन यहाँ पे करते हैं तो आप यहाँ पे देख पाएंगे आपका 500 रुपये जो है करेक्शन चार्जेज यहाँ पे रहेगा। इसके बाद आपको यहाँ पे सिंपली मेंशन किया गया है कि करेक्शन चार्जेज जो है दोस्तों आपको जो है ऑनलाइन ही यहाँ पे करना है। और जो है दोस्तों अगर यहाँ पे बात करें आपको सिंपली यहाँ पे मेंशन किया गया है कि करेक्शन जो है एप्लीकेशन फॉर्म में वही कैंडिडेट यहाँ पे कर पाएंगे जिनका जो है फर्स्ट फॉर्म जो है दोस्तों आप यहाँ पे फिल करेंगे, वो आपका जो है विद पेमेंट आपका जो है वो यहाँ पे कंप्लीट होना चाहिए, इसके बाद ही जो है आप करेक्शन यहाँ पे कर पाएंगे। सिंपली देख पाएंगे आफ्टर एक्सपायरी ऑफ विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन नो चेंज नो करेक्शन मॉडिफिकेशन विल बी अलाउ अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। तो ये जो है दोस्तों आपको सिंपली यहाँ पे मेंशन किया गया है कि आपका जो है दोस्तों लास्ट टाइम जो है आपको ये चांस यहाँ पे दिया जाएगा करेक्शन को लेकर। और यहाँ पर जो है जिन भी दोस्तों का डाउट रहता है कि सर हमारा जो है एप्लीकेशन फॉर्म में करेक्शन जो है कंप्लीट यहाँ पे नहीं होता है तो उस केस में यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पर जो है दोस्तों अगर आपका एप्लीकेशन फॉर्म में करेक्शन जो है वो यहाँ पे कंप्लीट नहीं होता है तो इसमें जो है दोस्तों आपका फर्स्ट फॉर्म जो है वो यहाँ पे एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, और अगर दोस्तों आपका करेक्शन यहाँ पे जो है कंप्लीट हो जाता है तो आपका जो है करेक्टेड री एप्लीकेशन जो आप यहाँ पे फिल करेंगे वही आपका जो है यहाँ पे एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। यहाँ पर जो है दोस्तों आपको बता दें कि आप जो है यहाँ पे आपकी सभी डिटेल में जो है करेक्शन यहाँ पे कर पाएंगे, आपका एजुकेशन डिटेल हो गया या जो है दोस्तों आपका फोटो या साइन आपको यहाँ पे चेंज करना है। इसके अलावा जो है दोस्तों अगर आपका जो है कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में यहाँ पे पूछ सकते हैं, आपको जरूर रिप्लाई किया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।